आज के ही दिन मैं अपने बुक का अनावरण कर रही हूँ। अपने बुक की जर्नी के बारे में मैं बता दूँ, 2012 में पहली किताब आई मेरी, जो 2010 से मैं लिख रही थी। और उस समय ये यूट्यूब वगैरह कुछ भी नहीं था, और जब बच्चे पढ़ना चाहते थे तो उनको वही स्कूल के जो ग्रामर की किताबें थी वही उपलब्ध होती थी, जिसमें वो बहुत कुछ पढ़ते थे लेकिन एग्ज़ाम के क्वेश्चंस जैसे आते हैं उसके बारे में उनको जानकारी ज़्यादा नहीं हो पाती थी। तो मैंने सबसे पहले क्वेश्चंस जो सॉल्व करवाती थी मैं उसी पर मेरा ध्यान रहता था कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, और फिर उन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने किताब लिखना शुरू किया। तो कई बच्चे, जब किताब मैंने लिखा तो 2012 13 14 सब में बच्चों ने यही कहा कि आपकी किताब में जो है वही एग्ज़ाम में आ जाता है। लेकिन फिर मैंने बताया कि नहीं, जो एग्ज़ाम में आता है उसी पर आधारित मैंने किताब लिखी है। तो जब टीचर एक किताब लिखता है, एक ऑथर एक किताब लिखता है, तो दोनों में यही फ़र्क है कि हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और उसके अनुसार किताब लिखते हैं। 2012 की जो किताब थी वो मैं सही मायने में अपने बच्चे को धोखा दे दे के मैंने वो किताब लिखी है। और बेटा बहुत छोटा था तो बगल में उसका तकिया रख देती थी मैं, और उस पर चादर ढक देती थी। वो सोचता था मम्मी बगल में लेटी हैं, और मैं दूसरे रूम में किताब लिखती रहती थी रात में। तो इस तरह से मैंने 2012 में जब वॉल्यूम 1 लिखा तो उसे समर्पित किया अपने बेटे को। उसके बाद फिर मैंने वॉल्यूम 2 लिखा, और फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश लिखी। तो ये मैंने अपनी माँ को समर्पित किया, क्योंकि मैं अपनी माँ की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि मेरे फादर के देहांत के बाद मेरी माँ को सभी लोगों ने यही सलाह दिया था कि बेटियों को पढ़ाना कोयठा में घी सुखाने के बराबर है, तो आप बेटियों को गर्ल्स स्कूल में पढ़ाइए, ज़्यादा पढ़ा लिखा के बेटियों का कुछ नहीं होता है, शादी ब्याह भी नहीं होगी ज़्यादा पढ़ लिख जाएगी। तो मेरी माँ ने इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल किया, और हम सभी बहनों को बहुत अच्छी शिक्षा दी, जिसके कारण आज मैं जो हूँ वो मैं श्रेय अपनी माँ को देना चाहती हूँ। और उन्होंने मजबूती के साथ हम सभी बहनों का साथ दिया है, लेकिन घर का मालिक जब चला जाता है तो सबकी नज़र ये होती है कि कमाएगा कौन। तो उस समय मेरे भैया सिर्फ 18 साल के थे, और 18 साल की उम्र में वो बहुत ही मस्त थे। उनके पास उस समय बाइक थी और बहुत स्मार्ट थे, अमिताभ बच्चन की तरह दिखते थे, लड़कियां बिल्कुल मरती थी उन पर। तो इलेक्ट्रिक गिटार, उस ज़माने में इलेक्ट्रिक गिटार किसी के पास नहीं होता, लोग के पास साइकिल नहीं होता है, उनके पास इलेक्ट्रिक गिटार थी और वो गिटार में अपना बजाते थे और मस्त रहते थे। लेकिन अचानक जब फादर की डेथ हुई तो बस सारे के सारी जिम्मेदारी, सभी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन पर आ गई। और आज मैं एहसानमंद हूँ उनका कि उनके बदौलत हमने इतनी एजुकेशन हासिल की कि कम से कम आज मैं बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ, और बहुत सारे बच्चों को अच्छा रास्ता दिखा रही हूँ सम्मानजनक तरीके से अच्छी नौकरी प्राप्त करने का। तो मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आज इस मौके पर जब मैं ये बुक का अनावरण करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि वो दोनों मेरे साथ यहाँ रहें, ताकि मैं अपनी इस किताब को भी उन दोनों को डेडिकेट कर सकूं, जो मेरे इस हस्ती के सबसे असली हकदार हैं। प्लीज़ माँ, भैया। इस किताब में मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने अपना पूरा ग्रामर कवर कर रखा है, और रिसेंटली मैंने वोकैबुलरी की एक किताब रिलीज़ की थी, और उस किताब में मेरा पूरा वोकैबुलरी कवर्ड है। तो इंग्लिश में ग्रामर एंड वोकैबुलरी बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रखता है, लेकिन बच्चों को हमेशा कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है। और जो बाज़ार में किताबें हैं, तो ऑफकोर्स मैं जानती हूँ ऑथर्स जब किताब रिलीज़ करते हैं तो वो उसको रीड नहीं कर पाते हैं प्रॉपर तरीके से, और कई बार कुछ त्रुटियां रह जाती है जो हम लोग क्लास में बच्चों के साथ संपर्क में
हम लोग बच्चों के संपर्क में रहते हैं तो वो किताबें हमें मिल जाती है, तो हमें पता रहता है कि बच्चे हमें बता देते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम्स रह गया है। इस पूरे किताब का सॉल्यूशन मैंने खुद बनाया है और इस किताब को आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ, ताकि जो एक गैप था तैयारी करने में कि अच्छे प्रैक्टिसर जो ऑथेंटिक हो और जो टीचर जानते हैं कि किस तरह से बच्चों को सॉल्यूशन चाहिए, वो हमने पूरी कोशिश की है इस बार बच्चों को देने की। तो इस बुक में 247 सॉल्व पेपर्स हैं, जिसमें 2016 से 2022 तक के सारे सेट और CHSL के, CGL के, ये पूरे सेट CGL के इसमें हैं, CHSL के कुछ सेट्स हैं, ताकि बच्चों को कम समय में अच्छी तैयारी करने का मौका मिल सके।